नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अगले 19 दिनों तक देश की पूरी सियासत जोड़ घटाव गुणा भाग पर चलेगी। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, इसका हिसाब किताब जोड़ा जाएगा। मोदी के विरोधी 21 नेताओं को एक चिट्ठी भेजी गई है। भेजने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और चिट्ठी में एक ही नाम है, राहुल गांधी। मोदी को हटाना है तो सबके सब श्रीनगर आओ, बीजेपी के खिलाफ आओ, संघ की विचारधारा के खिलाफ आओ। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की विचारधारा वही है जो राहुल गांधी की है? क्या दक्षिण में केसीआर और ओवैसी को कांग्रेस एक ही तराजू पर तोलती है? दक्षिण में और चले जाएं तो क्या स्टालिन और जगन रेड्डी कांग्रेस के साथ कदम ताल करेंगे? जो प्रयोग पहले पटना में फेल हो गया, जो प्रयोग बैंगलोर में फेल हो गया, क्या वो दिल्ली में कामयाब होगा? राहुल गांधी का मिशन कश्मीर क्या है? ये हकीकत में बदलेगा या फसाना ही रहेगा? समझते हैं इस रिपोर्ट से। 2024 में नरेंद्र मोदी का चैलेंजर कौन होगा? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर, नीतीश कुमार या कोई और? जनवरी खत्म होते होते हिंदुस्तान के सामने दो पीएम कैंडिडेट क्लियर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी का चैलेंजर नंबर वन तय होने वाला है राहुल गांधी। इसी महीने 30 तारीख को इसका ऐलान भी हो जाएगा। जगह होगी श्रीनगर और मंच होगा भारत जोड़ो यात्रा का। बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। ये इस देश का तरीका नहीं है, इस देश का इतिहास नहीं है, इस देश की हिस्ट्री नहीं है। ये देश भाईचारे का देश है, एकता का देश है, इज्जत का देश है, रिस्पेक्ट का देश है, और इसीलिए ये यात्रा सफल हो रही है। राहुल गांधी के मंच पर जम्मू कश्मीर के तमाम मुस्लिम नेता होंगे। नरेंद्र मोदी से सियासी दुश्मनी रखने वाले फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती राहुल गांधी के साथ हाथ से हाथ मिलाएंगे। वैसे कोशिश तो ये भी है कि किसी तरह गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस में घर वापसी कर लें। क्या आजाद फिर से गांधी परिवार के वफादार होंगे? इस सवाल का जवाब अभी सिर्फ आजाद के पास है। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा और कांग्रेस पार्टी ने कुल 21 विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है और इस यात्रा के समापन समारोह में आने का न्योता दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तमाम चिट्ठियां तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को लिखी है। हालांकि मोटा मोटी जो एनडीए में नहीं है उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को ये चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दल हैं जिनको अभी तक चिट्ठी कांग्रेस की तरफ से नहीं दी गई है। कांग्रेस के सूत्र इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में कुछ और राजनीतिक दलों को चिट्ठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखी जाएगी, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में आने का न्योता इन राजनीतिक दलों को दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, तेलंगाना की पार्टी बीआरएस, इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, शिरोमणि अकाली दल, इन तमाम राजनीतिक दलों को अभी तक न्योता कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया है। आज जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें 21 राजनीतिक दलों को ही न्योता दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि अगले आने वाले चंद दिनों में कांग्रेस पार्टी कुछ और राजनीतिक दलों को इस यात्रा में शामिल होने का, समापन समारोह में शामिल होने का न्योता देगी। बहरहाल अभी चिट्ठी महज 21 राजनीतिक दलों को ही लिखी गई है। अगर खड़गे के सारे मेहमान आ गए तो 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी का मंच कुछ ऐसा दिख सकता है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव, मायावती, हेमंत सोरेन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, जयंत चौधरी, सीताराम येचुरी, डी राजा और वाई को,
इतने नेताओं को जोड़कर राहुल गांधी एक नया यूपीए बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने विपक्ष पार्टियों को एक खत लिखा है, उनको निमंत्रण दिया है 30 तारीख को आप श्रीनगर आइए, श्रीनगर में एक मीटिंग हम करेंगे लाइक माइंडेड पार्टी, आइए और हम बातचीत करेंगे अगला कदम क्या लेना है। पर अकाली दल को हमने आमंत्रण नहीं भेजा है। राहुल ने केसीआर को इसलिए छोड़ा है क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस को केसीआर से लड़ना है, आंध्र प्रदेश में उन्हें जगनमोहन रेड्डी से लड़ना है, पंजाब में उन्हें शिरोमणि अकाली दल से भिड़ना है और ओवैसी को कांग्रेस ने इसलिए छोड़ा है क्योंकि मुसलमान वोट में राहुल किसी भी तरह का बंटवारा नहीं चाहते। जिहड़ा गांधी परिवार है भारत जोड़न की बजाय तोड़न ते लग्या सी, आई परिवार है जिन्हें दरबार साहब ते हमला किया, आई परिवार है जिन्हें हजारां भैन सिख भैन भरावां ते कतल करके उन्होंने इंसाफ नहीं दवा दिता, आई परिवार है जिन्हें पंजाब का पानी खोया, जिन्ना पंजाब का पानी है जे राजस्थान गया या हरियाणा जाना पै रहा जा रहा सी, मेहरबानी गांधी परिवार की है, जिन्ना नुकसान इस परिवार ने ते कांग्रेस पार्टी ने पंजाब का किया मैं लगता होर कोई कर नहीं सकता। राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी यात्रा नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन 3,500 किलोमीटर पैदल चल लेने के बाद राहुल की यात्रा के दो पॉलिटिकल मोटिव क्लियर हो गए हैं, पहला वोट जोड़ो और दूसरा अलायंस जोड़ो, वोट कांग्रेस के लिए जोड़ो और अलायंस मोदी को हराने के लिए बनाओ। यात्रा जो है ये तमिलनाडु में केरला में सफल हो जाएगी, मगर जब ये कर्नाटक पहुंचेगी तो ये फेल होगी, बीजेपी की सरकार है वहां पर रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कर्नाटक में गए, केरल से तमिलनाडु से बेहतर रिस्पॉन्स, फिर उन्होंने कहा, बीजेपी के लोगों ने भी कहा, हाँ ठीक है कर्नाटक तो साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र में रिस्पॉन्स नहीं, महाराष्ट्र में आए और जबरदस्त रिस्पॉन्स, फिर कहा ठीक है महाराष्ट्र में हो गया, हिंदी बेल्ट में तो नहीं होगा, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से भी बेहतर रिस्पॉन्स, फिर कहा ठीक है हिंदी बेल्ट में रिस्पॉन्स हो गया, आगे नहीं होगा हरियाणा में, नहीं होगा हरियाणा में उससे बेहतर, और अभी हुड्डा जी ने कहा कि पंजाब में हरियाणा से भी बेहतर रिस्पॉन्स होने वाला है। कांग्रेस अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री राहुल गांधी का मास्टर प्लान बताने लगी है, मगर राहुल ने इतना तो समझ लिया है कि अब वो अकेले नरेंद्र मोदी को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए जिनसे अब तक लड़ते रहे उनके हाथ से हाथ मिलाना पड़ेगा। कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से 30 जनवरी की तारीख चुनी है, महात्मा गांधी की शहादत के दिन राहुल गांधी ग्रैंड अलायंस बनाने की सोच रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसलों की बात तो की ही है, साथ ही लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले और इसके अलावा सीमा पर चल रहे विवाद का भी जिक्र किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में तमाम समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के राजनेताओं से अपील की है कि वो 30 जनवरी को श्रीनगर में पहुंच करके भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को और सशक्त तरीके से जनता तक पहुंचाने में कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें, और इसी अपील के साथ चिट्ठी 21 राजनीतिक दलों के राजनेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा लिखी गई है। समान विचारधारा वाले दलों को जोड़कर कांग्रेस आरएसएस वाली धारा से टकराने चली है। सवाल ये है, क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ चल सकती हैं? क्या अखिलेश और मायावती दोनों कांग्रेस के साथ आ सकते हैं?
अरविंद केजरीवाल ने इन दिनों पूरी राष्ट्रवादी लाइन ले रखी है। आज ऐसे बहुत कम ऑफिसर देखने को मिलते हैं जो कि हमारी और जनता की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। शंभू दयाल जी जैसे शख्स के ऊपर हमें गर्व है, पूरे देश को गर्व है, पूरी दिल्ली को गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसे वीर पुरुष देश के लिए भी एसेट हैं और उनके परिवार के तो वो बहुत प्यारे थे ही, लेकिन ऐसे मौके पे उनको सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। ममता बनर्जी गंगा सागर मेले के बहाने हिंदी भाषियों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही। ममता ने गंगा सागर मेले में स्वामी विवेकानंद का पोस्टर लगाया। ये सब आज के लिए नहीं है, ये सब 24 के लिए है। गंगा सागर मेला क्यों महत्वपूर्ण है हर मेला से? कुंभ मेला इज द नेशनल मेला, सो दे गेट ऑल द फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट कुंभ मेला का एक ऐतिहासिक जो है परंपरा है कि वो रेलवे का साथ कनेक्टेड है, रोड का साथ कनेक्टेड है, लेकिन हमारा गंगा सागर में जो मेला होता है नाइदर इट इज कनेक्टेड विद द रेलवे और द रोड। एक एक आदमी को जल पार होकर तब जाना पड़ता है, फिर 35-40 मिनट्स। राहुल गांधी ने हिंदू मुसलमान के बीच नफरत मिटाने की बात करके भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। राहुल की यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, खेती किसानी के पोस्टर जरूर लगे, लेकिन राहुल का सेंट्रल आइडिया चेंज नहीं हुआ। मुस्लिम वोट कांग्रेस के लिए फिक्स मानकर राहुल हिंदू वोट जोड़ रहे हैं। ये यात्रा हिंदू वोट जोड़ने के लिए राहुल का आउटरीच प्रोग्राम है, तभी तो इसमें कभी तेजस्वी की बात होती है, कभी तपस्वी की बात होती है, कभी कांग्रेस का पंजा भगवान शंकर की अभय मुद्रा बन जाता है और राहुल मंदिर मंदिर जाकर पूजा पाठ करने लगते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि राहुल की यात्रा से सीखकर आरएसएस नेता मस्जिद जाने लगे। केवल हमारे जो अलाइज हैं उन पर नहीं हुआ है, आरएसएस पर भी हुआ है। कभी उम्मीद कर सकते थे कि मोहन भागवत मदरसा जाएंगे देखने के लिए या किसी उसमें मस्जिद में जाएंगे? कभी उम्मीद कर सकते थे? अब वो भी जाने लगे हैं। तो केवल असर हमारे अलाइज पे नहीं हुआ है, आरएसएस पे भी हुआ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, दूसरी यात्रा मोहन भागवत कर रहे हैं। भागवत की यात्रा राहुल की यात्रा से भी पहले शुरू हुई। राहुल हिंदू जोड़ रहे हैं, भागवत मुसलमान जोड़ रहे हैं। लक्ष्य 24 है। भागवत ने 23 की शुरुआत में ही हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बड़ी लाइन खींच दी है। आप कल्पना करें कि इस विश्व में हिंदू समाज अगर गायब हो जाता है तो क्या होगा इसका? सब लोग किसका प्रभुत्व दुनिया पर, इसके लिए झगड़ा करेंगे, कर ही रहे। तो गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान बना रहे, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान है उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना पड़ेगा। हम ही सही बाकी सब गलत, ये छोड़ना पड़ेगा। हम अलग है इसलिए हम अलग ही रहेंगे, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा।
मुसलमानों के बारे में भागवत का बयान आते ही मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले दंगल में कूद पड़े। वो तो उनके गुरु घंटाल हैं, मोहन भगवत उनके गुरु घंटाल हैं। जब गुरुजी बोलेंगे तो चेले तो थाली मारेंगे ना। 2024 का है ना तैयारी, 2024 की तैयारी और क्या है। नहीं नहीं, इन्फ्लेशन पे मोहन भगवत कभी नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि वो जानवरों के डॉक्टर हैं, मगर इन्फ्लेशन पे नहीं बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं बोलेंगे, चीन पर नहीं बोलेंगे। डॉलर जो 80 कितना हो गया आपको मालूम? डॉलर कितना हुआ अभी? हाँ, उस पर नहीं बोलेंगे। किस पे बोलेंगे? इस पे बोलेंगे। क्या भागवत ने कुछ गलत कहा? मुस्लिम नेताओं को छोड़ दीजिए, आम मुस्लिम मोहल्लों में जिन मौलाना के वीडियो घूमते हैं, वो मौलाना खुल्लम खुल्ला यही कहते हैं, हमने 800 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की, मुसलमान यहां हुकूमत करने वाले हैं, हिंदू रियाया है। ऐसे एक नहीं दर्जनों एग्जाम्पल हैं, हम कुछ सैंपल दिखाते हैं। सैंपल नंबर 1, मौलाना फारूक नक्शबंदी। हम अमन पसंद लोग हैं, हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं। ओ, हमने इस मुल्क पर 800 साल हुकूमत की, तुम्हें 70 साल हो गए हुकूमत करते हुए, तुम हमारा निशान मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम तुम मिट जाओगे, लेकिन कलमा पढ़ने वाले नहीं मिटेंगे। सैंपल नंबर 2, बदरुद्दीन अजमल। जानर अपनारा, এই ভারতবর্ষ 800 বরস মুঘল বাদশাহ হুকুমত করছে। স্যাম্পল নম্বর 3, মৌলানা সিদ্দিকুল্লাহ শেখ। আরএসএস এর যে চক্রান্তের বেড়াজালে রেখেছিল, প্রথম থেকে তাদের স্বপ্ন ছিল ভারত ছাড়ো না হলে কোরআন ছাড়ো। দ্বিতীয় নম্বরে আর একটা স্লোগান ছিল, মুরব্বীরা ভুলে গেছেন কিনা জানি না, এই দেশে মুসলমানদের ভোট অধিকার কেড়ে নেব। স্যাম্পল নম্বর 4, মৌলানা সাইফুল্লাহ চতুর্বেদী। আগর ইসলাম তলোয়ার কি আধার পর ফেলতা, খুদা কি কসম তুম তো দূর কি বাত, 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, खुदा की कसम कोई हिंदू नजर नहीं आता। सैंपल नंबर 5, मौलाना अजमतुल्ला खान। 70,000 काफिरों ने उनके हाथ में इस्लाम कबूल किया था। सैंपल नंबर 6, शौकत अली। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम कैसे कीड़े मकोड़े, 832 साल हमने हुक्मरानी की है, तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे थे। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधा बाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना, हमसे बड़ा सेक्युलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधा बाई से, तो जोधा बाई को मलके हिंदुस्तान बनाया। इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेक्युलरिज्म के अलमबरदार तो हम है ना। मोहन भागवत ने जो कहा वो फसाना नहीं हकीकत है। 800 साल का राज बनाम 75 साल की बातें होती रही, हो रही हैं, और अगर इसे सुधारा नहीं गया तो आगे भी होती रहेंगी। मुस्लिम कौम के रहनुमा भी आए दिन ऐसी बातें उठाते रहते हैं, इनमें से कुछ नेता तो कांग्रेस के अलायंस पार्टनर भी हैं। जानर अपनारा, এই ভারতবর্ষ 800 বরস মুঘল বাদশাহ হুকুমত করছে, রাজত্ব করছে, কোনোদিন এই স্বপ্ন দেখার হিম্মত হয়েছে না যে এই দেশে ইসলামিক রাষ্ট্র হবে। যদি ওরা চিন্তা করত 800 বছরের মাঝে উদয় ভারতবর্ষ কোন একজনও হিন্দু মানুষ থাকত না, সবরে মুসলমান বানিয়ে যেত। বানাইছে নাকি? বানাইছে নাকি? চেষ্টাও করেনি, সাহস নাই। হিন্দুস্তান কো অগর এক করনা হে, ভারত কো অগর জোড়না হে, তো বাদশাহ ও রিয়ায়া ওয়ালে মাইন্ডসেট কো খতম করনা হোগা।
जितनी लड़ाई भारत के मुसलमानों की रही है वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीमेसी ऑफ रूल ऑफ लॉ की, सुप्रीमेसी ऑफ इक्वल राइट्स की, ये तो बेसिक चीज़ को मोहन भगवत समझ ही नहीं रहे हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप को मानती नहीं है, वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि वो रूलिंग क्लास है, हम रूल्ड हैं माइनॉरिटीज़। आप सुप्रीमेसी की तो आप बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं बात। लेकिन वो सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि किसी भी धर्म के, चाहे वो मुसलमान हो या फिर कहीं पर भी, ये सुप्रीमेसी वाली बात नहीं आनी चाहिए, तभी तो, एकता रहेगी। तो ये जो बात वो कर रहे हैं वो तो एक उनका जो इंटरव्यू है वो तो एक अपर कास्ट के कास्ट स्टेटमेंट है वो, और वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो तो दिखा रहा है कि वो एक आर्यन सुप्रीमेसी को मानने वाले हैं। राहुल गांधी मुस्लिम वोट को कांग्रेस के लिए फिक्स डिपॉजिट मानकर चल रहे हैं और कहां किस राज्य में कितने हिंदू वोट जुड़े इसे काउंट कर रहे हैं। राहुल नफरत मिटाने की बात करते हैं लेकिन दो कौमों की साइकोलॉजी में बसी ऐसी चीजों को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं करते। 24 की तस्वीर 30 जनवरी को क्लियर होने वाली है। राहुल श्रीनगर में कितनी ताकत जुटा पाते हैं इसी से सिग्नल मिल जाएगा कि मोदी के चैलेंजर 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या 5। अभी इतना समझ लीजिए कि चैलेंजर जितने ज्यादा होंगे मोदी का रास्ता उतना आसान होगा। ठीक 2 दिन के बाद नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े रिवर लग्जरी क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन करेंगे। यह क्रूज वाराणसी से निकलेगा और 3,200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 51 दिनों में असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यह क्रूज भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों को पार करता हुआ अपनी डेस्टिनेशन तक जाएगा। इस लग्जरी क्रूज का स्टॉपेज बिहार, झारखंड, बंगाल, ढाका और गुवाहाटी होगा। मोदी का मकसद है देश में रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना, लेकिन विरोधी अभी से इस काम में गड़बड़ी ढूंढने में लग गए हैं। अब यह फॉर्मूला आया है कि मोदी जहां पर कोई नया काम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, तो सब मिलकर उसका विरोध करेंगे। यूपी में अखिलेश यादव, बिहार में नीतीश कुमार, बंगाल में ममता बनर्जी, सबकी स्क्रिप्ट अभी से रेडी है। 2 दिन पहले मोदी ने मध्य प्रदेश में एक अच्छा काम किया, प्रवासी भारतीयों को बुलाया, तो उसमें मध्य प्रदेश के लीडर्स कूद पड़े थे। मोदी पर अटैकिंग लाइन लेकर देश को बदनाम करने वाली बातें कही गई थी। यूपी में गंगा क्रूज चलता है तो अखिलेश यादव को अच्छा नहीं लगता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस वीडियो वायरल कराकर हंगामा खड़ा करती है। बंगाल को वंदे भारत ट्रेन मिलती है तो दीदी कहती है कि यह ट्रेन तो पुरानी है। मोदी विरोधी लोकल हो, नेशनल हो, कहीं से भी हो, सब अचानक वोकल हो गए। यह नया तरीका है जो अभी अभी विरोधियों ने ईजाद किया है। इस नए तरीके का टेम्पलेट क्या है यह आपको समझाते हैं। मोदी पर अटैक करने के चक्कर में क्या विरोधी अब देश को ही बदनाम करने लगे हैं? सोचिए, इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, 70 देशों के 3,500 राष्ट्रदूत आए, 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए। यह मोदी का इवेंट नहीं था, शिवराज का इवेंट नहीं था, हिंदुस्तान का मामला था, हिंदुस्तानियों का मामला था। जब देश में मेहमान नवाजी हो रही थी उस वक्त देश के ही कुछ लोग अलग अलग हैशटैग, अलग अलग लाइनें, अलग अलग कमेंट वायरल कराने के चक्कर में लगे थे। दिग्विजय सिंह बोले, मोदी माफी मांगो, शिवराज माफी मांगो। कांग्रेस बोली, देश पर अंतरराष्ट्रीय दाग लगा दिया। फिर ताना मारा, मोदी का डंका वाला ढोल फट गया, बीजेपी को शर्म नहीं आई। ये तक कहा, मोदी की डबल इंजन सरकार ने देश का मजाक उड़ा डाला। कमलनाथ भी कूदे, उन्होंने लिखा, देश की इज्जत मिट्टी में मिल गई। आरोप लगाया, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सिर्फ भाषणबाजी हुई, काम नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ। ये भी कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में आए निवेशकों के साथ बदसलूकी हुई, उनका अपमान किया गया। नाराज हुए वो तो अब बात पब्लिक हो गई है, बड़े दुख की बात है। NRIs का हमें स्वागत करना चाहिए था और अगर उनको असुविधा हुई, वो नाराज हुए, ये मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात है। विज्ञापन से
मीडिया इवेंट से निवेश नहीं आता। विज्ञापन तो चल रहे हैं सालों से। आज मैंने भी देखा व्हाट्सएप में कि किस प्रकार से कुछ लोग शिकायत कर रहे थे, ये आप लोगों ने भी सब देखा होगा। इससे हमारे प्रदेश की बदनामी होती है अगर इस प्रकार की असुविधा हो। केवल भाषण से ही इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। अखिलेश इंदौर से 800 किलोमीटर दूर थे, लेकिन उनके टारगेट पर भी मोदी ही थे। वो भी हिंदुस्तान की छवि खराब करने वाला टेक्स्ट ही फिट करते दिखे। ये बात सही है कि विदेशों से आए प्रवासी भारतीयों को थोड़ी असुविधा हुई, कुछ को बैठने की जगह नहीं मिली। उनकी नाराजगी जायज भी थी, इसीलिए तो सीएम ने सार्वजनिक मंच से माफी भी मांगी, बड़ा दिल दिखाया। अंत में अगर कसर तो नहीं छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि हाल छोटा पड़ गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। इंदौर में बीजेपी की समिट तो हुई नहीं, देश की प्रगति की ही बात हुई, मगर मोदी के दुश्मनों को इसमें भी इंडिया को बदनाम करने वाली तस्वीर ही दिखी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत 2003 में अटल जी ने की थी, बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में भी ये परंपरा जारी रही और अब मोदी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मोदी विरोधी इसमें भी सियासत ही कर रहे हैं। मोदी को नीचा दिखाने का, देश को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे, जबकि इसके उलट मोदी रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म का मंत्र दे रहे हैं। मोदी ने देश में कितना सुधार किया, हिंदुस्तान में क्या क्या बदला और सबसे इंपॉर्टेंट मोदी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, एक एक डिटेल आगे देंगे। पहले मोदी की ये बात सुनिए। इंडिया हैज बीन ऑन द पाथ ऑफ रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म सिंस 2014। एक स्थिर सरकार, एक निर्णायक सरकार, सही नियत से चलने वाली सरकार विकास को अभूतपूर्व गति देकर दिखाती है। देश के लिए हर जरूरी फैसले उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। आपने भी देखा है कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। मोदी काम गिना रहे हैं, विरोधी अभी भी अलग अलग इंडेक्स ही दिखा रहे हैं। हंगर इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स, ये इंडेक्स, वो इंडेक्स, ऐसा करके वो मोदी को नहीं देश को ही नीचा दिखा रहे हैं। दुनिया भारत की तरफ देख रही है, मोदी के दुश्मन गलत तस्वीर दिखाकर हिंदुस्तान की तरक्की रोक रहे हैं। साउथ एशिया में हर पैमाने पर, हर इंडेक्स में भारत को छोड़कर हर देश की इकोनॉमी डूब रही है। पाकिस्तान में आटे पर लूटमार मची है, वो दाने दाने को मोहताज है, मगर कांग्रेस की टाइमलाइन पर हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए प्रायोजित हंगर इंडेक्स वाला फसाना घूम रहा है। मोदी के दुश्मन जिस हंगर इंडेक्स की रैंकिंग फिट करके मोदी पर अटैक करते हैं, वो कितना प्रमाणिक है, इसे ये देखकर ही समझा जा सकता है कि 1 किलो आटे के लिए लड़ने वाला पाकिस्तान उस इंडेक्स में 99 रैंक पर है और भारत को 107 की रैंकिंग दी गई है। लेकिन बावजूद इसके मोदी विरोध की बीमारी से पीड़ित इकोसिस्टम देश को बदनाम करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। अलग अलग हैंडल्स पर एक ही टेक्स्ट कट कॉपी पेस्ट हो जाता है। मोदी के दुश्मनों की फेक स्टोरी के उलट इंडिया की रियल स्टोरी यह है कि भारत की कामयाबी में प्रवासी भारतीयों का बड़ा रोल है। 2022 में विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने करीब 8.25 लाख करोड़ रुपए विदेशी करेंसी में भारत भेजे हैं, जो 2021 के मुकाबले 12% ज्यादा था और इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ा इजाफा हुआ। 2023 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की पोजीशन पहले से बेहतर हुई है। 199 देशों की पासपोर्ट रैंकिंग में भारत अब 85वें नंबर पर आ गया है। इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी की रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मोदी की नीतियों की वजह से ही भारत जापान को पछाड़कर
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन चुका है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने करीब 2700 करोड़ रुपए के खिलौने एक्सपोर्ट किए। 2022 में भारत में लगेज और बैकपैक्स के मार्केट को 53,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया के 7 सबसे बड़े इमर्जिंग मार्केट्स में भारत फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमी होगा। 2023 में भारत की GDP 6.9% की दर से बढ़ेगी। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक मार्च 2023 तक भारत 240 लाख करोड़ की इकोनॉमी होगी, जबकि अगले 7 साल यानी 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 570 लाख करोड़ की होगी। ये तो हमने सिर्फ कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाए हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। हर रैंकिंग में इंडिया या तो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है या टॉप 10 में शामिल है। तो क्या मोदी की लीडरशिप में तरक्की करते भारत से ही विरोधियों को इतनी जलन है? जवाब मोदी से सुनिए। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है, ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है, भारत की पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है, ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है, भारत की पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है, ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है, भारत की पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है, ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है, भारत की पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। भारत क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, मोदी ये गिना रहे हैं, जबकि विरोधी मध्य प्रदेश के भावी सीएम कमलनाथ, भारत के भावी पीएम राहुल गांधी वाला टेक्स्ट ही फैलाने में बिजी हैं। मोदी देश सुधारने की बात कहते हैं, विरोधी राहुल की फोटो ही वायरल कराने में व्यस्त हैं। भाग मोदी भाग, राहुल आया वाला नारा बुलंद करते हैं। मोदी के लिए तानाशाह, जुमलेबाज जैसे अब शब्दों की नॉनस्टॉप बारिश हो रही है। 24/7 राहुल को ही देश की आवाज बनाने की होड़ सी मची है। कांग्रेस से लेकर अखिलेश तक सबके बीच में दुनिया की नजरों में भारत को ही नीचा दिखाने की रेस लगी है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, परेशानी में है भारत जोड़ो यात्रा के कारण। नितिन गडकरी ने बेरोजगारी, गरीबी और आर्थिक विषमताओं के बारे में बात की, ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। तो मैं ऐसी कई मिसाल दे सकता हूँ, पिछले 117 दिन में जो घोषणाएं की गई हैं केंद्र सरकार की ओर से, डायरेक्टली भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही है। ये सब भारत जोड़ो यात्रा का असर है और ये आप देख रहे हैं मोदी सरकार की घोषणाओं में देख रहे हैं, RSS की भाषा में आप देख रहे हैं। मोदी पर अटैक करके देश को सेटबैक देने के लिए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के मंच से किसान आंदोलन का भी जिक्र होता है। कांग्रेस के नेता कैमरे पर आकर याद दिलाते हैं कि उन्होंने कैसे मोदी को झुका दिया, लेकिन मोदी विरोधी यही नेता कैमरे पर आकर ये नहीं बताते कि मोदी खुद झुके, अपने विरोधी नेताओं के सामने नहीं, किसानों के आगे। इसका जिक्र खुद उस भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन दर्शन सिंह धालीवाल ने किया है, जिन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान मोदी से मुलाकात की। दर्शन सिंह धालीवाल ने बताया कि कैसे 150 लोगों के सामने मोदी ने उनसे कहा था कि हमसे बड़ी गलती हो गई जो आपको भारत से वापस भेज दिया, पर आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है जो आप हमारे कहने पर फिर भी आ गए। आज यही धालीवाल मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे और खुलकर कह रहे हैं कि भारत के पास उनका सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री है और देश को मोदी का साथ देना ही चाहिए, मोदी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए।
2021 में जब आप आए थे तो एयरपोर्ट से आपको वापस भेजा गया था, क्योंकि कहा यह गया कि किसान आंदोलन में जो लंगर चल रहा है वो आप प्रोवाइड करा रहे थे। तब क्या रिएक्शन था उस समय आपका? कोई रिएक्शन नहीं था जी, उनको ये अच्छा लगा वो कर दिया, अब ये अच्छा लगा ये कर दिया, जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हम क्यों रिएक्शन दें। उसके बाद जब आप प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे 2022 में, तब उन्होंने क्या कहा था जब आप पीएम एक डेलीगेशन के साथ मिले थे पीएम? हाँ जी, क्या कहना था, जो भी मतलब कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। तब प्रधानमंत्री ने आपसे क्या कहा था उस समय उस घटना के बारे में? उनको घटना का मालूम भी नहीं होगा, मेरे को वहाँ से बुलाया था अमेरिका से, मैं जहाँ आ गया। कहा यह गया कि पीएम ने आपसे कहा कि वो बहुत दुखी है कि जिस तरह से आपको वापस भेजा गया। हाँ जी, डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इन माय माउथ बट ही फेल्ट बैड जो होया सीगा, तो दैट्स व्हाई नाउ आई एम गेटिंग दिस अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में दिल्ली आने के बाद सिख कम्युनिटी के लिए जिन कामकाज जो उन्होंने किए, जितने सारे फैसले लिए, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया, जब से यहाँ हिंदुस्तान में, एक बात कहता हूँ कि 75 साल हो गए यहाँ पे इंडिया को आज़ादी मिले को, 75 सालों में इंडिया का, भारत का सिख प्रधानमंत्री भी रह रहे हैं, 10 साल के लिए पीएम भी रह लिया है, होम मिनिस्टर भी रह लिया है, और भी बड़ी बड़ी पोजिशन पर रहा है। जो काम मोदी जी ने किया है सिखों के लिए आज तक किसी ने किया है? मैं आपसे पूछता हूँ कि आज तक किसी ने भी किया है? लंगर पे टैक्स लगता था 18%, वो हटा दिया। करतारपुर का लांगा था वो खोल दिया, छोटे साहबजादों का वीर दिवस, ये तो आज के काम नहीं है, ये तो बहुत पुराने हैं, पहले बड़ी पहले भी हो सकते थे। सभी का काम जो क्रेडिट है वो मोदी जी को जाता है। मोदी जी का दिल सिखों के हित के लिए धड़कता है, कुछ लोग लेकिन ऐसे खासतौर पर किसान आंदोलन के समय ऐसे पेश कर रहे थे जैसे वो विरोधी हों, आप कैसे देखते हैं? इससे ज़्यादा और हित में क्या होंगे? जो काम उन्होंने किया सिखों के लिए और किसी ने किया? कहने को तो जो मर्जी कही जाओ, पर मेरे को एक बात बता दो कि भी उन्होंने, किसी और ने सिखों के लिए जो मोदी जी ने किया किसी और ने किया? आखिर में एक सवाल, क्योंकि बहुत सारे सिख कम्युनिटी के लोगों से आप मिलते रहते होंगे, यंगस्टर से भी मिलते रहते होंगे, वो क्या कहते हैं पीएम मोदी और उनके काम के बारे में? उनके बारे में माड़ा कहने को है क्या? अगर हमारे पंजाबी में कहावत है कि खांदे दाढ़ी हिलदी है, जे तुसीं ओह गल करनी है उस तरह गल करनी है तो जितनी मर्जी कह दिओ, लोग रब नूं भी गाला कढ़दे ने, पर जो काम मोदी जी ने सिखों के लिए किया किसी ने भी नहीं किया। सोचिए अमेरिका जैसा सुपर पावर देश जहां आज 200 मिनट तक विमानों की उड़ान पर ब्रेक लग गई, डोमेस्टिक फ्लाइट्स के उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस खबर पर आपको लेटेस्ट अपडेट दे दें, करीब 3 घंटे के बाद FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने विमानों की उड़ान पर रोक का फैसला वापस ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इस वक्त डिले फ्लाइट्स और कैंसिल फ्लाइट्स की तादाद तेजी से बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि अब तक 4000 से ज्यादा फ्लाइट डिले चल रही है। नोटम यानी फ्लाइटों के क्रू मेंबर्स की सेफ्टी से जुड़े सिस्टम में खराबी आ गई थी और इसी की वजह से विमानों की उड़ान पर ब्रेक लग गई। इस पर थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बात की, इस बातचीत के बाद उन्होंने क्या कहा है आइए जरा आपको वो सुना दें। They don't know what the cause is, but I was on the phone about 10 minutes. I told them to report directly to me when they find out. Aircraft can still land safely, just not take off right now. We don't know what the cause of it is. They expect it to be able to, in a couple hours, they'll have a good sense of what caused it, and we'll respond at that time. Sir, why didn't your team go up? We don't know. Okay, we'll find out. Sir, one question. Why didn't your team? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।